में आ गए। वो विसंदल हक भट्ट का अरेस्ट हो गया। अच्छा, वो कहते हैं कुल जाल हक में जहाँ कल बात है नल बात लगाना तुम कई मेरे ख्याल में जो भी आप दोस्त थी इतनी करीब थी और आज वो आपकी दोस्त अरेस्ट हो गई है तो आपको फील नहीं हो रहा ऐसा कुछ? अच्छा, वो कहते हैं कुल जाल हक में जहाँ कल बात है नल बात लगाना तुम कई मेरे ख्याल में जो भी आप दोस्त थी इतनी करीब थी और आज वो आपकी दोस्त अरेस्ट हो गई है तो आपको फील नहीं हो रहा ऐसा कुछ? ये केस कौन सा था मैडम, इसके बारे में बताइएगा कि कौन सी वीडियोस के हवाले से वो था और आज जो फैसला हुआ उसके ऊपर बता दें। दूसरा ये कि आपके मुखालफिन मजीद भी वीडियोस की बात कर रहे हैं, फैजुल हसन चौहान के नाम से आपका अटैच किया जा रहा है, उसमें कितनी सदाकत है वो भी बताइएगा। ये जो केस था मैं अभी रिसेंटली जो उसने मेरी वीडियोस वायरल की थी उसके एविडेंस वगैरह सारा कुछ प्रूफ वगैरह मेरे पास आ चुके थे, जिन अकाउंट से की थी, जिन लोगों के साथ मैं शॉपिंग करके की थी, सब कुछ मैंने आज अदालत में पेश किया। इसके बाईस मैसेज, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, इसकी लाइव पे आके मेरे बारे में इंतहाई वल्गर किस्म की कन्वर्सेशन करना, उसमें 10 बार बताने में कामयाबी दी। और आज चूंकि मैं बात तरह इलिटरेट नहीं हूँ कि 2-3 क्लासें पढ़ के और लोगों की इज्जतें उछालना मेरा वो नहीं है, मैंने कभी किसी। मैडम वो अब तो अरेस्ट हो गई हैं, अब क्या कोई आपके दरमियान राजीनामा हो सकता है? राजीनामा नहीं, राजीनामे की बात ही नहीं, किस चीज़ का राजीनामा, जो मेरे साथ होना था तो वो तो हो चुके हैं, वो चीजें तो वापस नहीं आती। तो मेरे ख्याल में कल ये किसी और के साथ भी करते हैं, और आयशा नाज सिंह जो क्रिमिनल है उन्होंने पहले भी लोगों के साथ ऐसा किया, और संदल हटक प्रोसिक्यूशन केस में एक दफा अरेस्ट भी हो चुकी है, तो इनके लिए कोई वो नहीं है। लाइक ये अरेस्ट होती है फिर बाहर आ जाती है, और इतने गलत गलत इनका मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसको G9 थानों वाले ने इस्लामाबाद से उठाया था संदल को गेस्ट हाउस के अंदर से, तो इनका कोई करेक्टर नहीं है, इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। और आयशा नाज के गेस्ट मैंने 2 फाइल की ऑलरेडी, वो कोर्टों में देखे कर सकती, क्योंकि इस वक्त मेरी कंडीशन नहीं है, तो मैं भी मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हूँ, और मैं इंशाल्लाह जरूर बात करूंगी। आपकी मेंटली कंडीशन चेंज करने की थोड़ी सी आपको बात करते हैं, क्या मौलाना की कोई है वीडियो मौलाना फजल रहमान की? छोड़े उनको, हम इमरान खान के साथ हैं, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और हमेशा इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। और मैं कहूंगी इस वक्त इमरान रियाज के लिए हमें आवाज उठाने की जरूरत है। जो एक बात और बता दें, इस वक्त तो